ओम शांति। हम संसार में कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान ने हमें ताज और तख्त प्रदान किया है। सतयुगी ताज का आधार भी वर्तमान का ये ताज है और ये ताज है विश्व कल्याणकारी स्थिति का। हम अपने को बहुत ही जिम्मेदार महसूस करें। हम कल्पवृक्ष की जड़ें हैं, हम मास्टर बीज रूप हैं, हम पूर्वज हैं। इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। सृष्टि की स्थिति का आधार हमारी स्थिति है। हमारी यदि बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है तो संसार को सुंदर वाइब्रेशंस मिलते हैं, किसी को शांति प्राप्त होती है, किसी को सुख मिल जाता है। हम अपने स्वमान को भी याद करें और अपनी जिम्मेदारी को। ऐसा संकल्प कर लें सवेरे ही कि मैंने इस देह में अवतार लिया है विश्व कल्याण के महान कार्य के लिए। मेरा कार्य विश्व कल्याण का ही है। विश्व की आत्माओं को आज किसी को शांति की जरूरत है, हम उसे शांति के वाइब्रेशंस दें। किसी का जीवन दुखों में व्यतीत हो रहा है, हम उसे दुखों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। तो कोई निराशा के अंधकार में डूबते जा रहे हैं, हम ईश्वरीय ज्ञान देकर ये महसूस करा के कि तुम्हारे साथ तो स्वयं भगवान है, उनके चित्त में आशाओं के दीप जलाएं। तो कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, किसी को मानसिक रोग हो रहे हैं, कोई पापों में सब कुछ नष्ट करता जा रहा है, हम सभी को जागृत करें। ये संकल्प करें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। और याद रखें ये सीक्रेट, हमारी विश्व कल्याण की वृत्ति के द्वारा भी विश्व कल्याण का ये महान कार्य संपन्न होता रहेगा। तो हम बाबा के महान बच्चे हैं, हमारा कार्य भी महान है और हमारा भविष्य भी बहुत महान है। हम अपने इस महान कार्य के प्रति सचेत रहें और विचार करें, जिनको ऐसा महान कार्य करना हो, क्या भला वो अलबेले हो सकते हैं? क्या वो सवेरे सोए रह सकते हैं? क्या वो अपने लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ में अपना समय दे सकते हैं? जिनको महान कार्य करने होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम बाबा के इस कार्य में बहुत महान जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, तन से, मन से, धन से, वाइब्रेशन से, मनसा सेवा से, ज्ञान देकर हम ये महान कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो हमें अपने को आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखकर सभी को सुंदर वाइब्रेशंस देने के लिए स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करना है, ताकि हम खाली न रह जाएं, हम पूरी तरह से भरपूर रहें। हमारे सामने अशांत हुई आत्माएं आएंगी और कहेंगी, हमें दृष्टि दे दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। हमारे पास दुखों में कराहती हुई मनुष्य आत्माएं आएंगी और हमें कहेंगी, हमारे सिर से हाथ रखकर हमारे दुख हर लो, हमारा सिर फटा जा रहा है, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। ऐसे सीन भविष्य में बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। तो हम जिम्मेदार आत्माओं का परम कर्तव्य है कि हम इन महान कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करें। सर्व खजानों की लिस्ट आपके पास है ही। और सदा योगयुक्त रहना, सदा ज्ञान मनन में रहना, सदा स्वमान में रहना, यही तरीके हैं स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करने के। तो आज हम
आज हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और मैंने इस देह में अवतार लिया है विश्व कल्याण के कार्य के लिए, और यही अभ्यास करेंगे कि मेरे सिर पर सर्वशक्तिवान बाबा छत्र छाया है और मेरे द्वारा सारे संसार में श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैल रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।